Hello kids, today I am starting the Raoult's law. So we have already discussed two types of solution. Now the third category is liquid in liquid. There are three categories. If we will mix two liquids with each other, if maybe they are completely miscible, maybe they are partially miscible, or they may be immiscible, means interface is present between those two components, just say oil plus water. तो दे आर नॉट कम्प्लीटली मिसिबल, दे आर इमिसिबल. दोनों मिक्स ही नहीं हो रहे, दो लेयर्स बनी ऑयल प्लस वाटर, एंड दैट लेयर इज नोन एज इंटरफेस इज प्रेजेंट बिटवीन दोज टू टाइप्स ऑफ लिक्विड्स. ओके, नाउ इन दिस चैप्टर विल टॉक अबाउट कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स. एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है मिल्क प्लस वाटर, पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, पता भी नहीं चलता. ओके, सो दिस कैटेगरी कैन बी कंसिडर्ड इन होमोजीनियस कैटेगरी, पूरी तरह से मिक्स हो गया, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इथेनॉल प्लस वाटर. ओके ओके, नाउ इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड तो लिक्विड के अंदर क्या होगा, वेपर्स बनेंगे, राइट. अगर मैं एक बाइनरी सॉल्यूशन की बात करती हूँ, बाइनरी मतलब आपने दो कॉम्पोनेंट्स लिए हुए हैं, मैं यहाँ पर ले रही हूँ ए एंड बी. ए ने जो प्रेशर अप्लाई किया, दैट द प्रेशर दैट इज एग्जर्टेड बाय ए इज पी ए, एंड द बी के द्वारा दैट इज पी बी. ओके, बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ मैं, एक कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स की बात कर रही हूँ, मीन्स अल्कोहल प्लस वाटर. ओके, नाउ रेऑल्ट्स लॉ, रेऑल्ट ने एक लॉ दिया, व्हाट वाज दैट लॉ, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए. PA is the pressure exerted by the component A. Now, what is the difference between PA and P0A? P0A is the pressure in pure state. अगर मैं pure state में बात करती हूँ तो P0A. And वैसे क्या होगा? PA. Pressure exerted by A component. So, PA, the pressure exerted by A is equal to the pressure exerted in pure state, partial pressure. P naught A into XA. What is XA? Mole fraction of component A. Right? Partial pressure of pure component is P naught A. Pure component, मतलब pure state में आप जब बात कर रहे हैं तो उसको P naught A कहा. PB is equal to similarly, PA जैसे लिखा वैसे ही similarly, PB is equal to P naught B, PB naught into XB. XB क्या है यहाँ पर? Mole fraction of component B. Okay, as we have studied in grade 11, Dalton's law. What was Dalton's law? The total pressure exerted by the system is equal to the pressure exerted by the components that are present in the solution. So, P is equal to PA plus PB, right? According to Dalton's law that we have already studied in grade 11. Now, we'll put the values of equation number 1. Now, we'll give this number 1, this equation 1 number. And this equation as 2 number. We'll put both these equations in equation number 3. Isko 3 de dete hain. Now 1 and 2 we'll put it in 3. Okay. So P is equal to P naught A into XA plus PB naught into XB. Ab mujhe puri equation A ki form mein chahiye. Toh maine kya kara? XA ko kisse substitute kiya? 1 minus XB. We can write down 1 minus XB is equal to plus PB naught into XB. राइट, सो ये आ गई पूरी इक्वेशन. लेकिन अभी मैं सिर्फ बात कर रही थी लिक्विड स्टेट में, लिक्विड लिक्विड अल्कोहल प्लस वाटर, सिर्फ मैंने अभी लिक्विड स्टेट में बात करी थी, तब ये जो टोटल प्रेशर आया वो उसकी ये इक्वेशन आई. अगर मैं वेपर स्टेट में बात करती हूँ तो मोल फ्रैक्शन को मैं अब रिप्रेजेंट करूंगी वाई से. ओके, तो अभी मोल फ्रैक्शन को वाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी ए अपॉन पी टोटल, राइट. अगर मैं ए की कॉम्पोनेंट की बात कर रही हूँ, सिमिलरली वाई बी, मैंने यहाँ वाई क्यों लिया है? क्योंकि मैं यहाँ पर अब किसकी बात कर रही हूँ? वेपर स्टेट की. तो आपको एग्जाम में प्रॉपरली पूछा जाएगा कि अगर वो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो अगर लिक्विड स्टेट की बात की जा रही है तो ऊपर वाली इक्वेशन फॉलो करनी है, एंड वेपर स्टेट में आप इसको फॉलो करेंगे, वाई बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी टोटल. ओके, दिस इज ऑल अबाउट रेऑल्ट्स लॉ.